हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार की बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो दोस्तों, आज हम एकदम सॉफ्ट लिट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे लिट्टी। तो लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी परात में मैं डालूंगा 5 कप गेहूं का आटा। अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें डालूंगा मैं अजवाइन। तो अजवाइन को हम दोनों हाथों से क्रश करके डालेंगे। तो हाथों में मैं अजवाइन को डाल लूंगा और दोनों हाथों से क्रश करके आटे में मैं इसे डाल दूंगा। तो अजवाइन को मैंने क्रश करके डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे क्या होगा कि हमारी लिट्टी अब बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होगी। तो इस सभी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो सभी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 1/3 कप देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, या फिर कह सकते हैं कि मैं इसका मोयन लगा कर तैयार कर लूँगा। इन सभी का मैंने अच्छे से घी का मोयन लगा कर तैयार कर लिया है। इस तरह हम मुट्ठी बनाकर देख लेंगे। इससे क्या होता है, इसे पता चल जाता है कि हमारा मोयन एकदम परफेक्ट लगा है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते हुए हम इसका एकदम नरम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो बस हमें थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते जाना है और हम इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे। तो मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाता हूँ कि हमारा डो है कितना सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हैं। तो इस आटे को मैं इसी तरह छोड़ दूंगा कुछ समय के लिए। तो जब तक हमारा आटा सेट होता है, यहाँ पे हम चोखा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चोखा बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे बैंगन लिए हैं और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़ी साइज़ के टमाटर। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं। तो इनको हम साइड में रख देंगे। तो अब हमें करना क्या है कि हमारे हाथों पर हमें लगाना है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। बस ऑयल से हम बैंगन को ग्रीस कर देंगे। तो दोनों बैंगन को हमें इस तरह हाथों की सहायता से ग्रीस कर देना है। तो जिस तरह हमने बैंगन को ग्रीस किया है, इसी तरह हम टमाटर को भी ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे। तो इसे ऑयल से हम ग्रीस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट गैस पर इसे हमें कुक करना है या फिर सेकना है। तो गैस पर रख दिया मैंने एक जाली और गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। इस पर हम रख देंगे बैंगन और टमाटर। और अब इसको हमें अच्छी तरह कुक करते जाना है पलटते हुए, जब तक कि इनकी स्किन है वो जल ना जाए। तो यहाँ पे मैंने दूसरे बैंगन को रख दिया है दूसरे गैस पर, आप देख सकते हैं। तो बस हमें इसकी स्किन को जलाते हुए यानी इसे कुक करते हुए पलटते पलटते हमें इसे कुक कर लेना है अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं इस टमाटर की स्किन है वो एकदम ब्लैक हो गई है, यानी हमारा टमाटर इस तरफ से कुक हो चुका है। तो बस चारों तरफ से हमने टमाटर और बैंगन को इसी तरह कुक कर लिया है पलटते हुए। तो अब इन टमाटर और बैंगन को हम ट्रांसफर कर लेंगे किसी प्लेट में। तो बैंगन और टमाटर को मैंने ट्रांसफर कर लिया है किसी प्लेट में। अब इसको हम ठंडा होने के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी सब्जियां ठंडी होती है, हम यहाँ पे लिट्टी के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक बाउल में मैंने लिया है 1.5 कप सत्तू, जिसमें हम थोड़ा सा होल कर देंगे। अब इसमें डालूंगा मैं 2 टेबल स्पून किसी भी अचार का मसाला या फिर उसका तेल। इसमें डालूंगा मैं कटा हुआ धनिया। इसमें डालूंगा मैं हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। यहाँ पे डालूंगा मैं 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून डालूंगा मैं लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे डालूंगा मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा जो मिक्सर अभी भी सूखा सूखा है, इसलिए लगभग 2 टेबल स्पून पानी में इसमें और डालूंगा। तो पानी डालने के बाद इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। तो अब इसको हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो
सभी को हमने अच्छे तरह मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम मुट्ठी बनाकर देख लेंगे, यानी कि हमारा मिक्सर एकदम परफेक्ट है, यानी ये बन रहा है। तो हमारी सब्जियाँ भी हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। अब इनकी जो ऊपर की जली हुई स्किन है इसको भी हम हटा लेंगे और इनको हम धो कर किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको धोकर मैंने किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और सारे टमाटर की स्किन मैंने हटा ली है। अब सेम तरीके से हम बैंगन की भी स्किन को हटा देंगे और उसको हम धो लेंगे। बैंगन की स्किन को हमने हटा लिया है और इसको हमने धो लिया है। हमने धो लिया है और इसके जो ऊपर का डंठल है इसको हम काट कर हटा देंगे और इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसी बाउल में जिसमें हमने टमाटर डाले थे। तो दोनों बैंगन को टमाटर को मैंने इस तरह पील करके धोकर अच्छी तरह इनको बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम किसी चाकू की सहायता से अच्छे से छोटा छोटा काट देंगे। तो इसको मैंने छोटा छोटा काट दिया। अब यहाँ पे मैंने लिए फोक, फोक की सहायता से हम इन सभी को मिक्स करते हैं, मैश कर देंगे। आप चाहें तो ये काम मैशर की सहायता से भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मैशर ना हो तो आप फोक की सहायता से भी इसे कर सकते हैं। तो इन सभी को मैंने मैश करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमने आलू उबाले थे उसको भी मैंने पील कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह मैश कर देंगे। तो आलू को भी मैंने अच्छी तरह मैश कर दिया है। अब इस आलू को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा बैंगन और टमाटर के इस मिक्सर में। तो अब इन सभी को मैश करते हुए हम सभी को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो इन सभी को मैंने अच्छी तरह मैश भी कर लिया और मिक्स भी कर लिया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 टीस्पून नमक। इसमें डालूंगा मैं 2 से 3 हरी मिर्ची जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें डालूंगा मैं 2 टेबलस्पून गरम सरसों का तेल। तो अब इन सभी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। तो इन सभी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। हमारा जो चोखा है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लिट्टी के आटे को देख लेते हैं। यह आटा बहुत और भी नरम हो चुका है। अब इसको हम एक बार फिर से गूंथ लेंगे ताकि और नरम हो जाए, एकदम अच्छा हो जाए। तो आटे को हमने फिर से गूंथ लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे जितना कि हम एक चपाती बनाते टाइम लेते हैं। तो बस इसको हम इस तरह गोल करेंगे और इस तरह हम इसमें होल करते जाएंगे, यानी एक बाउल का हम इसे शेप दे देंगे। तो इसमें हमने होल बना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के सत्तू का मिक्सर जो हमने बनाकर तैयार किया था। तो सत्तू का मिक्सर डालने के बाद हम इसको इस तरह प्रेस करते हुए अंदर की तरफ हम इसे राउंड शेप दे देंगे, इसको गोल कर देंगे और इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा देंगे और दोनों हाथों की सहायता से हम इसे गोल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह लिट्टी को गोल कर दिया है। इस लिट्टी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी प्लेट में और सारी लिट्टियां हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारी लिट्टियों को मैंने इसी तरह बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिट्टी लिया, इनको मैं कुछ लिट्टियों को मैं बेक करूँगा ओवन के अंदर और कुछ लिट्टियों को मैं गैस पर बेक करूँगा। तो ओवन में बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने जाली स्टैंड लिया है। इसके ऊपर हम लिट्टियों को इस तरह सेट कर देंगे जितनी लिट्टियाँ इसके ऊपर आती हैं। लिट्टियों को मैंने जाली स्टैंड पर सेट कर दिया है। अब इस जाली स्टैंड को हम रख देंगे ओवन के अंदर और इन लिट्टियों को हम बेक करेंगे 200 डिग्री पर लगभग 25 मिनट के लिए। तो लिट्टियाँ हमारे ओवन में बेक हो चुकी हैं। तो गैस पर लिट्टियाँ बेक करने के लिए यहाँ पे हमने अप्पम वाला सांचा लिया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा या ऑनलाइन भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर दिया लगभग 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लगभग 1/2 टीस्पून के करीब देसी घी। तो घी डालने के बाद घी को हम मेल्ट होने देंगे। तो मेल्ट हो चुका है हमारा घी। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है लो टू मीडियम, यानी कि लो से मीडियम के बीच में। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा लिट्टी। तो इन लिट्टियों को हम लगभग
3-3.5 मिनट के लिए इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह हम इसे बेक होने देंगे या फिर कहीं कुक होने देंगे। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा दे रहा हूँ क्योंकि लिट्टी को हमें अभी पलटना है। तो लगभग 3.5 मिनट बाद हमारी लिट्टियाँ हैं एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इन पर, ये अच्छे से कुक हो चुकी है नीचे से। तब इसको हमने पलट दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी इसे हम कुक कर लें। तो इसके ऊपर मैं डाल दूंगा थोड़ा सा घी। तो हमारी लिट्टी जो है दोनों तरफ से कुक होकर तैयार हो चुकी हैं। तो इन लिट्टियों को हम अब प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो लिट्टियों को मैं इस तरह निकाल लेंगे, उनको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा किसी प्लेट में। दोस्तों आप देख सकते हैं सारी लिट्टियों को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और हमारी ओवन में भी लिट्टी बेक होकर तैयार हो चुके हैं। तो इनको भी हमने बाहर निकाल लिया है। अब एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है मेल्टेड देसी घी और इस घी में हम लिट्टियों को इस तरह डुबो देंगे। तो लिट्टियों को हमने दोनों तरफ से हमें घी में इस तरह हम इसे मिक्स कर लेना है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और इसका एक्स्ट्रा घी निकाल देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लिट्टी ऊपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो सभी लिट्टियों को मैं इसी तरह घी में डिप करके बाहर निकाल लूँगा। तो सारी लिट्टियों को मैंने घी में डिप कर लिया है। तो उन्हीं लिट्टियों को हमने घी में डिप किया है जिनको हमने ओवन में बेक किया था। ये रही हमारी गैस पर बेक की हुई लिट्टी। हमारी लिट्टी अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो लिट्टी और चोखा को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है किसी प्लेट में, देख सकते हैं। ये हमारी गैस पर बेक की हुई लिट्टी ऊपर वाली और ये हमारी ओवन में बेक की हुई लिट्टी। तो दोस्तों मैं आपको एक लिट्टी तोड़कर दिखाता हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट लिट्टी बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।